अर्थान सर। हाँ यार पता है मुझे, चांसेस तो बहुत कम है लेकिन ट्राई मारने में क्या जाता है। और सोच अगर स्कॉलरशिप मिल गई तो एक साल की कॉलेज की फीस भी निकल आएगी। हाँ यार मैं भी ट्राई कर ही लेता हूँ। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ पूछना था आपसे। Let me guess, scholarship, why is it? I'm sorry सर अगर मैं इंटरफेयर कर रही हूँ तो, लेकिन मुझे माया मैम के डिवोर्स के बारे में पता चला। You should be sorry Jayanta, because now you're interfering. तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी की पर्सनल लाइफ में जाने का, especially तुम्हारे डीन की पर्सनल लाइफ में। It's none of your business. I know sir, it's not. और मैं सिर्फ कंसर्न्ड हूँ कि मुझे पता है फैमिली से अलग होना कितना पेनफुल होता है, और मैं ये सोच रही थी कि आप ही माया मैम को ये एडवाइस, मतलब क्या हर मैरिज का एंड डिवोर्स में ही होना चाहिए? Do you think माया को मैं फोर्स कर रहा हूँ डिवोर्स देने की? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम जाकर माया से डायरेक्टली क्यों नहीं पूछती? Why you asking me? Why you wasting my time? I'm sorry sir, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं just two things Sanyukta. First, sorry does not make a dead man alive. And second, अगर तुम्हें कुछ जानना है तो जाकर माया से पूछो। Don't ask me. Alif. कामन मैम, यू वांट संयुक्ता? मैम ये द हेल संयुक्ता, कहां से आए ये पेपर्स? यू स्नीक इनटू माय कैबिन? नो मैम, ये तो मुझे, तुम्हें क्या, कहां से मिले तुम्हें ये पेपर्स? टेल मी राइट नाउ, tell me right now or I will rusticate you. What the hell do you think of yourself? What are you doing? Why don't you tell her ki tum kaise chupchap apni abusive married life ko bardasht kar rahi ho, kaise domestic violence ko accept kar rahi ho aur ignore bhi kar rahi ho? Stay out of this world. Tujhe kisse baat karni hai, kaise baat karni hai aur kya baat karni hai tumse seekhne ki koi zarurat nahi hai. Apni self respect khokar relations ko drag karna main sikhata bhi nahi. Enough Pradha, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पब्लिकली कमेंट करने का। यू मे लीव नाउ एंड यू टू संयुक्ता, गेट आउट। दिखा लिया पूरा कंसर्न, यहां भी कुछ बाकी है? डोमेस्टिक वायलेंस, व्हाट द हेल आर यू वेटिंग फॉर? गेट आउट। से पहले तो आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए आई एम रियली सॉरी। मैं कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट तो नहीं हूं कि मैं तो आपके रिलेशंस पे नहीं बचा पाई, लेकिन पिछले कुछ दिन मेरी लाइफ का सबसे टफ फेज था, फिर भी मैंने अपनी ड्रीम्स अपनी चॉइसेस सैक्रिफाइस नहीं की मैम। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत समझाने की कोशिश की कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है और मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन वो लोग नहीं माने और इवेंचुअली मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, और शायद वो सही भी था। मैम अपनी ड्रीम्स के लिए मुझे अपनी फैमिली छोड़नी पड़ी, क्योंकि मैं अपनी इंजीनियरिंग को किसी के लिए नहीं छोड़ सकती, और मैंने आपको भी हमेशा एज एन आइडल देखा, एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देखा। अगर मैं अपना पैशन छोड़ देती तो शायद मैं लाइफ में कभी आपके जैसी नहीं बन पाऊंगी। मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ मैम कि आप भी अपनी फ्रीडम को अपनी चॉइसेस को किसी के लिए सैक्रिफाइस मत कीजिए,
अब जैसी है वैसी रहिए, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट।